सो हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मूथ गाइडेंस में। तो हमारी स्टैटिक जीके की इस सीरीज में आज का टॉपिक है इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि सिंधु नदी तंत्र। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इंडस रिवर का जो ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये। तो इसका उद्गम होता है तिब्बत के बोखारचू ग्लेशियर से, जो कि मानसरोवर लेक के पास है, और वहीं ये एंटर करती है इंडिया के लद्दाख में एंटर करती है, और पाकिस्तान से इंडिया से पाकिस्तान होते हुए सीधा डिस्चार्ज होती है अरेबियन सी में, ठीक है, अरब सागर में जाके ये बह जाती है। अब हम लोग इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक नदियां हैं, वो देख लेते हैं। अगेन एग्जाम में ट्रिब्यूटरीज बहुत पूछी जाती हैं, सहायक नदियां कौन सी हैं, और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है और राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो पहले हम राइट ट्रिब्यूटरीज जो है, राइट साइड की जो इसकी सहायक नदियां हैं, वो देख लेते हैं। राइट साइड जो राइट ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें इनकी जो आती हैं श्योक रिवर, गिलगिट रिवर, हुंजा रिवर, स्वात रिवर, कुन्ना रिवर, कुर्रम रिवर, गोमाल रिवर एंड काबुल रिवर। ये आपको याद रखना है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, जो बाएं ओर पड़ती हैं, वो है जास्कर रिवर, सुरू रिवर, सोन रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी रिवर, ब्यास, सतलज और पंजनाड़। ये सब रिवर जो हैं, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। अब हम लोग जो सिंधु नदी की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, उनकी बात कर लेंगे, जैसे कि चेनाब, रावी, सतलज, ये सब की हम बात करेंगे डिटेल में वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं चेनाब से। चेनाब का एंशियंट नाम है अक्षनी, अक्षनी या फिर इश्कमती भी बोलते हैं इनको, इस चेनाब रिवर को। चेनाब रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? बारालाचा पास है हिमाचल प्रदेश में, वहां से चेनाब नदी का जो है वो उद्गम होता है, नोन एज चंद्रभागा इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है इंडस रिवर की, सिंधु नदी की, वो है चेनाब नदी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। उसके बाद है फेमस प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, एग्जाम में प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी देख लो आप एक बार। तो चेनाब रिवर रिवर पर जो फेमस प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं दुहस्ती, बगलिहार एंड सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे झेलम रिवर की। झेलम नदी का जो एंशियंट नाम है, पुराना नाम है, वो वितास्ता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है? कश्मीर के वेरीनाग से होता है। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर के वेरीनाग से होता है। इस ये चेनाब नदी की ट्रिब्यूटरी भी है, सहायक नदी भी है। नेक्स्ट हम लोग रावी नदी की बात करेंगे। रावी नदी का जो एंशियंट नेम है वो है पुरुषिनी, और रावी नदी का उद्गम होता है, ओरिजिन कहाँ से है? कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास। रोहतांग पास पे जो कुल्लू हिल्स हैं, हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। सब पांचों नदियों में सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी नदी रावी नदी ही है। अब हम लोग बात करेंगे ब्यास नदी की। ब्यास नदी जो है उसका एंशियंट नेम है विपाशा, और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? रोहतांग पास के नियर जो है ब्यास कुंड पड़ता है, ब्यास कुंड से ही इसका ओरिजिन होता है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि रोहतांग पास कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, वहीं से इसका ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, और ये भी सतलज की ट्रिब्यूटरी है ब्यास नदी। उसके बाद है ओनली रिवर फ्लोइंग एंटायरली इन इंडिया। ये एक ऐसी नदी है जो एंटायरली इंडिया में ही बहती है, ये इंडिया के बाहर नहीं जाती है, ब्यास नदी। उसके बाद है ये सतलज से मिलती है हरीके में। सतलज से कहाँ मिलती है ये? हरीके पंजाब में जाके मिलती है। और इसके ऊपर फेमस प्रोजेक्ट कौन सा है? ब्यास नदी का सबसे फेमस प्रोजेक्ट है पोंग डैम। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सतलज रिवर की। सतलज नदी की बात करेंगे, इसका एंशियंट नेम है शतादरु। सतलज रिवर का उद्गम कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन है राक्षस लेक, तिब्बत के राक्षस लेक से होता है, जो कि मानसरोवर के पास है। ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है इंडिया में शिपकिला पास में, पास के पास। उसके बाद ये सबसे पहले रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास को ज्वाइन करती है, में मिलती है, उसके बाद जाके ये इंडस रिवर में शामिल होती है। आपको याद रखना है। सतलज रिवर पर फेमस प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? फेमस प्रोजेक्ट्स हैं नापथा झाकड़ी प्रोजेक्ट, उसके बाद है भाखड़ा नागल डैम विद गोविंद सागर रिजर्वायर प्रोजेक्ट। तो ये आपको ये याद रखने हैं इसके फेमस प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ लिया। अब सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में,
इसमें इंडिया के पास कौन सी रिवर नदियां आई थी और पाकिस्तान के पास कौन सी रिवर आई थी, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखते हैं, भारत के अधिकार में जो नदियां आई थी वो थी रावी, ब्यास, सतलज, और वहीं पाकिस्तान के अधिकार में जो नदियां आई थी वो थी इंडस, चेनाब और झेलम। तो ये थी इंडस वाटर ट्रीटी जो आपको पता होनी चाहिए। सो ये था हमारा कंप्लीट इंडस रिवर सिस्टम। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।